सब्जेक्टिव शीट नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, हाफ सी वी स्क्वायर लगाना था। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, 4 में डाउट, 5 में डाउट, 6 में डाउट। 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 30 वोल्ट बैटरी एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस अनचार्ज्ड 50 माइक्रो कूलम, तक क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? एक चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज के साथ कनेक्ट कर दिया, कॉमन पोटेंशियल लास्ट लेक्चर किया, तो जब भी चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज के साथ लगता है तो सबसे पहली चीज निकालनी जाती है दोनों का कॉमन पोटेंशियल, फिर आगे क्वेश्चन चलता है। शुरू करते हैं, तो ये लो, ये आपके पास C1 पता है 10 माइक्रोफेरेड, आपको V1 पता है कितना 30, नेक्स्ट कैपेसिटर अनचार्ज्ड C2 पता है कितना 50, और अनचार्ज का मतलब इसके ऊपर V2 तो था ही नहीं। कैलकुलेट फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन, तो क्या निकालना है, कॉमन पोटेंशियल C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, C1V1 C2V2 सब पता है, सॉल्व करके आंसर, कोई डाउट इसमें, एक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या निकालना है, इनिशियल एंड फाइनल एनर्जीज, तो इनिशियल एनर्जी में क्या आएगा, हाफ इंटू C1 इंटू V1 स्क्वायर, इसकी तो एनर्जी थी नहीं। फाइनल एनर्जी में क्या आएगा, हाफ इंटू C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर जो भी आएगा, प्लस हाफ इंटू C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर जो भी आएगा, इन्हें सॉल्व कर लेना, इनिशियल और फाइनल एनर्जी भी आ जाएंगे। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, नाइन में डाउट, ठीक है।